हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चीज पॉपकॉर्न बनाना बता रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने एक कप पॉपकॉर्न वाली मक्का ली है, अलग से मार्केट में मिलती है ये, इसे ही आप लीजिए। दूसरी मक्का आती है जिसका आटा बनता है, उसे मत यूज कीजिए, उसके अच्छे नहीं बनते, उसके फूलेंगे ही नहीं, पूरा जल जाएगा। बस इस तरह से छोटे दाने की आती है ये वाली आपको लेना है। गैस पे कुकर गर्म करने के लिए रखा है। इसके अंदर में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो घी में बनाइए। इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका, मैंने गैस को भी कम कर दिया है। बिल्कुल थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ। इसी के अंदर थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। 1/2 चम्मच से कम नमक लिया है, बस थोड़ा सा ही डालना है हमें नमक। इसी के अंदर जो ये मक्का है इसे आप डाल दीजिए। इसे इस तरह से आपको चलाना है। घी इसमें इतना रहना चाहिए कि थोड़ी सी ये डूब जाए इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है बीच में घी, बस इस तरह से दिख रहा है। गैस को मैं तेज कर रही हूँ। तेज गैस पे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाना है। आपको इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाना है जब तक ये फूटने ना लगे। इसी तरह चलाते जाइए इसे। गैस अभी मैंने तेज रखा है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इस तरह से ये फूटने लगी है। गैस को अब मैं थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ, इसका आप ढक्कन लगा दीजिए। मैंने सीटी हटा दी है, बस इसे जब तक इसमें से आवाज आएगी जब तक आपको गैस चालू रखना है। अभी भी इसमें से आवाज आ रही है, इसे एक बार इस तरह से थोड़ा सा चला दीजिए ताकि सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। गैस को आपको मीडियम ही रखना है, तेज बिल्कुल भी मत कीजिए, सारी जल जाएगी। ये देखिए पूरे कॉर्न इस तरह से मक्का जो है पूरी अच्छे से फूट चुके, अभी काफ़ी गर्म है। इसमें आप देख सकते हैं हल्दी का कलर भी एकदम बढ़िया लाइट आया है। मैंने नमक भी इसमें थोड़ा सा कम ही डाला, नमक ज़्यादा डालने से ज़्यादा खारा हो जाएगा। इसके अंदर ही मैंने चीज़ लिया है, चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसके अंदर आप डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए इस तरह से ताकि सब पॉपकॉर्न पर पूरा अच्छे से हमारा चीज़ लग जाएगा। इसी तरह से हिला के 2 मिनट आपको पूरे में आप रुक रुक के इसे डालते जाइए। इसे इस तरह से थोड़ा सा आप हिला दीजिए। गैस को इस तरह से मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, इसका आप ढक्कन लगा के इसे 1 मिनट छोड़ दीजिए। 1 मिनट हो चुका है, पूरा चीज़ जो हमने डाला था वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। बस अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। कॉर्न तैयार हो चुके हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।